नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। गेहूं की कटाई के साथ साथ किसानों के बच्चे खेतों में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई भी। लॉकडाउन के चलते खेतों में लेबर की समस्या आम है। किसानों के बच्चे स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ खेतों में गेहूं कटवाने का काम भी कर रहे हैं। खेतों में मोबाइल के जरिए पढ़ाई करते हैं और उसके साथ साथ काम भी। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी निकल आती है, ऐसा ही कुछ आम नज़ारा आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में देखने को मिलता है। लॉकडाउन के बीच में फसलें पककर तैयार हो चुकी हैं और कहीं कहीं कटाई भी। सरकार ने भी गेहूं और सरसों खरीद ली है, कई क्षेत्रों में खरीदारी शुरू भी हो चुकी है। अब किसानों ने लेबर की समस्या को दूर करने के लिए अपने बच्चों को भी अपने साथ काम पर लगा रखा है। स्कूलों की छुट्टियों के चलते बच्चे अपने माता पिता का साथ दे रहे हैं। फुर्सत के कुछ क्षण मिल जाते हैं तो मोबाइल के सहारे अपनी पढ़ाई भी कर लेते हैं। वे छोटे बच्चे जो फसलों की कटाई नहीं कर सकते, वे पेड़ की छांव में मोबाइल के सहारे पढ़ते हैं। इसके लिए वे बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखते हैं। छुट्टियां होने के कारण उनके माता पिता भी निश्चित हैं कि कहीं उनकी अनुपस्थिति में बच्चे बाहर न निकल जाएं। लेकिन अब वे अपने खेतों में जाते हैं और अपने माता पिता की निगरानी में रहते हैं। इस बारे में जब किसानों से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि उन्हें दोहरा लाभ मिल रहा है। एक तो बच्चे उनकी निगरानी में हैं और दूसरा उनकी पढ़ाई भी बाधित नहीं हो रही। पल पल फतेहाबाद से राजेश बांबू की विशेष रिपोर्ट। हम अच्छे से कटाई कर रहे हैं और बच्चों को उन्हें पढ़ाई करा रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हम मीटर की दूरी पे अपना अच्छे से काम कर रहे हैं। हो रही है जो कि मोदी सरकार ने कहा था कि इस तरीके बाद कटाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देख रहे हो कटाई में कोई दिक्कत नहीं है। कंबाइन चल रही है, स्कूलों की ऑनलाइन बच्चों पढ़ाई कर रहे हैं घर बैठे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और इस बात का पालन भी कर रहे हैं कि फुट पे दूरी बनाए, मजदूर अपना काम कर रहे हैं, किसान अपनी फसल काट रही है, अब दूरी भी बना रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। खूब कटरा रही है, खूब बढ़िया है, मैं शांति हूँ और ठीक ठाक चला है, ठीक काम हो रहे हैं, ठीक है। और बहुत कटाई अच्छी हो रही है और काम खूब चल रहा है, अच्छा जिम्मेदारों को ठीक है।